तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था जरा बताना, क्या पढ़ा था दोस्तों? रिएक्शन विथ रिएक्शन एयर ऑफ हमारा हो गया था, हाइड्रोजन। हाँ रिएक्शन विथ एयर हमारा हो गया था। इस हाँ इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया था मृणाली? इसके अलावा हमने पढ़ लिया था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन, नहीं पढ़े थे या पढ़ लिए थे? ऑक्सीजन के साथ पढ़े पढ़ा थे ना था, यंग? हाँ पढ़ा था, पढ़े ठीक है, आइए फिर हम बात करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन का। इस अच्छा बात कर लिए थे, इसका भी बात कर लिए थे कि BeH2, हाँ MgH2 और LiH ये तीन कोवेलेंट नेचर वाले होते हैं, बाकी जितने भी हाइड्राइड होते हैं वो आयनिक नेचर वाले होते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि BeH2 तुमको जितना आसान दिख रहा बनता हुआ वो वैसे नहीं बनता, वो ऐसे बनता है। बस इतना याद रख लेना कि ये नॉर्मल तरीके से नहीं बनता है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिंग ही नहीं रिएक्ट ही नहीं करता। कोई दिक्कत है? आइए अब क्यों ना हम वाटर के हाँ। साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश करें। बोलो बोलो, करवाएं करवाएं, करवाओ आओ करवाते हैं रिएक्शन विथ वाटर। क्या चलो भैया, मान लो एम नाम का कोई मेटल है, ठीक है, एम नाम का कोई मेटल है और ये गया पानी के पास रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। पानी के साथ जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्यों कहते हैं वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। और हाइड्रेशन क्या होता है जरा बताना कोई एक आदमी, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है मृणाली? हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस इसको तुम कैसे अलग बताओगी? ममता, योगेश, दादा, कोई भी, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन मतलब होता है, होना। हाइड्रेशन मतलब होता है जब पानी उसको घेर लेता है, ठीक है, यानी हाइड्रेशन एग्रीगेशन ऑफ वाटर, बस कि उसको जब घेरता है चारों तरफ से घेर लेता है, या इंटरेक्शन ऑफ वाटर है ना विथ दैट आयन। आयन लिखना जरूरी है क्योंकि वाटर आयन के साथ ही करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पानी टूटेगा। लिसिस मतलब क्या होता है? टूटना। लिसिस मतलब, लाइसिस मतलब क्या होता है? टूटना, ब्रेक। और हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। तो यहाँ पे पानी टूटता है, देखो कैसे, अब देखते जाओ ध्यान से, ये ऐसे है, ठीक है। तो क्या होता है, पानी टूटता है कैसे? एक होता है एच प्लस, एक होता है ओ एच नेगेटिव। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन क्या, सॉरी मेटल्स जो है क्या वो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है? क्या मेटल इलेक्ट्रॉन्स देने वाला पार्टी है या लेने वाला पार्टी है? ठीक देने वाला है, अगर ये देने वाला है तो क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा? तुम बोलोगे हाँ। अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ध्यान से बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास आएगा और क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा? जवाब देते जाओ बच्चों। अगर ये जाएगा तो ये yes. एम ओ एच बन जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन कितना है दोस्त? दो है, तो 2H, तो यहाँ पे H2 गैस बन जाएगा हाइड्रोजन, तुम बोलोगे हाँ। तो जब जब ध्यान से देखिए, जब जब कोई मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस, क्योंकि पानी टूट रहा है। पानी टूट के यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है विच इज बेसिक इन नेचर, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है, अब एक होता है वही जो नखरा करने वाला आदमी है, कौन? बेटा मांगे है ना, बीई और एमजी। बीई और एमजी में, बीई और एमजी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये तो एयर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ये काफी नखरे वाले होते हैं, ठीक है। ये काइनेटिकली एक्चुअली इनर्ट टाइप के होते हैं, तो ये बोलेंगे भैया हम नहीं रिएक्ट करने वाले, जाओ तो तुम एक हथौड़ा मारो इसको और पाउडर पाउडर बना दो, तब कर लेगा पानी के साथ रिएक्ट। समझ में आया? बोलो। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। सर तो रिएक्शन विथ वाटर ये पढ़ लिया, ये वैलेंसी की वजह से सिर्फ एम लिया है, और एम ओ एच टू, ये वैलेंसी की वजह से एम ओ एच, ठीक है, क्योंकि इस एम के ऊपर प्लस टू होगा,
और इसको लगाना पड़ेगा -1, OH के ऊपर कितना होता है -1, इसीलिए 2 लगाना पड़ा, -1 × 2, और यहाँ पे तो +1 होगा तो -1, सीधा मैनेज। बताइए कोई दिक्कत। नहीं लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, है ना, मैंने बोला ना ये रिएक्ट ही नहीं करता। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बेरिलियम जब पाउडर बना दोगे ना तब रिएक्ट करेगा। इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लोसिवली क्यों बोला है पता है? इनफैक्ट सोडियम पोटेशियम ये सब बहुत तगड़ा एक्सप्लोसिव तरीके से रिएक्ट करता है। क्यों? जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे रिएक्टिविटी बढ़ता है, तो पानी के लिए पानी में जैसे इसको डालोगे इतना तेज रिएक्ट करेगा ना कि बूम 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 आवाज आ जाएगा आएगा। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा इस सब चीज का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, इतना तेज रिएक्ट करता है ना पानी के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, मैं क्या बताऊं। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करते हैं पॉपअप साउंड के साथ, ये जलने लगता है पॉप साउंड के साथ। बोलो समझ आया कोई? कुछ 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 आया होगा। हाँ सर, चलिए आगे बढ़े। ओके हाँ सर। हैलाइड्स, अब आइए हम लोग बात करते हैं इसका रिएक्शन हैलाइड्स के साथ। चलो भाई इसमें जो दिया है उतना तुम अपना पढ़ लेना, हम अपना थोड़ा सा बता के निकल सकते। सब लोग इसी टाइम मैसेज करते हैं यार, क्या मतलब बताया? तो ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 2 वाले जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्स यानी हैलोजन है, तो ये बनाते हैं मेटल हैलाइड। क्या बनाते हैं दोस्त? मेटल हैलाइड। तुम बोलोगे एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा समझ नहीं आ रहा। हम बोलेंगे ले लो यार एग्जाम्पल, ले लो सोडियम ले लो प्लस क्लोरीन ले लो, क्या बना देगा? NaCl। इसके अलावा तुम ले लो MgL, Mg ले लो, Cl2 ले लो, तो ये बना देगा MgCl2। ये सब क्या है? मेटल हैलाइड। क्या मेटल हैलाइड? बताइए कोई दिक्कत? लेकिन 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 Be+Cl2 क्या बनाएगा? Be+Cl2 क्या बनाएगा? BeCl2 क्यों बनाएगा ना भैया? Be जब भी आए तो जरा आंख खोल के रहना, देख रहे हो तब से इसका नखरा चल रहा है, ये कुछ नहीं बनाएगा, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये क्या रिएक्शन मतलब ही है नहीं करता। इसका? मैंने बोला ना Be ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। अगर BeCl2 तुमको चाहिए मार्केट में तो वो ऐसे बनता है Be+Cl2, है ना। अब ये रिएक्शन करके यहाँ, सॉरी बीई ऑक्साइड होता है शायद, बेरियम ऑक्साइड होता है, चलो देख लेंगे। तो यहाँ पे बनाएगा अब BeCl2+CO2, हाँ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब ये बनाता है ऐसे, तो बीई को जरा ध्यान देना, बीई को, मैग्नीशियम को, लिथियम को, इस सब को जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। बताइए ध्यान हाँ में रखोगे सर। क्या तुम लोग? ठीक है चलो आगे बढ़ जाए दोस्तों, हाँ ठीक है। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा फिर से, लास्ट टाइम कौन कौन कोवेलेंट नेचर का था जरा बताना। तो हाइड्राइड में कौन कौन कोवेलेंट नेचर का था, कौन कौन था? लिथियम था, कौन सा था? बेरिलियम था, मैग्नीशियम था, तो यहां भी वही होगा, LiCl, BeCl, MgCl2, सॉरी MgCl2, BeCl2, ये तीनों के तीनों कोवेलेंट होते हैं, और बाकी सब क्या होंगे? आयनिक। बाकी जो भी है वो क्या होंगे? आयोनिक, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, वो क्या होता है? आयनिक। इन तीनों को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के, इसीलिए ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होता है? सॉल्यूबल। मतलब इनको मिला दो, LiCl को तुम पेट्रोल में मिला दो मिल जाएगा, BeCl2 को मिला दो मिल जाएगा, MgCl को मिल जाएगा, लेकिन नमक को कभी मिला के देख लेना, NaCl इसमें होता है, NaCl नहीं मिलेगा क्योंकि वो आयनिक है, उसको मिलाते रह जाओगे पेट्रोल में, केरोसिन में, डिजोल्व ही नहीं होगा। कभी देखो करके, चीनी भी नहीं, सब नहीं डिजोल्व होता है, डिजोल्व ही नहीं होगा, ठीक है। वह आयनिक, NaCl क्या है? आयनिक। कभी किसी के गाड़ी में नमक डाल देना ना इंजन में, चौक कर जाएगा, जाम खत्म, इंजन ही बर्बाद, ठीक है। तो ये तीनों चीज क्या है? कोवेलेंट। और एक कोवेलेंट दूसरे कोवेलेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, आयनिक के साथ नहीं करेगा।
इसलिए वो उसमें डिजोल्व हो जाता है या नहीं होता, बताइए कोई दिक्कत है क्या? बोलो बोलो, अरे बताओ कोई नहीं। दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत, चलिए बाकी अपना पढ़ लेना थोड़ा सा। नाइट्राइड्स का आओ, नाइट्राइड्स का एग्जाम्पल देखें। नाइट्राइड्स, तो नाइट्राइड में किसके साथ रिएक्शन करेगा ये, जल्दी बताओ? नाइट्रोजन के साथ करेगा। किसके साथ करेगा दोस्त? नाइट्रोजन के साथ। तो सीधा सीधा हिसाब किताब है इसका। ग्रुप नंबर वन, ग्रुप नंबर टू, ये नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा मेटल नाइट्राइड। क्या बनाएगा? मेटल नाइट्राइड। कोई इसमें एक्सेप्शन वेक्सेप्शन कुछ भी नहीं, ठीक है? कोई एक्सेप्शन कुछ नहीं, मैं जो बताऊंगा वो जान लेना। लेकिन तुम बोलोगे कंपाउंड क्या बनेगा ये तो बता दीजिए, ये तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है मैं बताता हूँ, कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे सोडियम, सोडियम के ऊपर कितना प्लस चार्ज आएगा, जल्दी बोलो कितना आएगा? +1। नाइट्रोजन के ऊपर कितना आएगा? -3, है ना? ग्रुप नंबर 15 से, ग्रुप नंबर 15 से हाँ -3 आएगा। तो एक काम करो, इसको डालो इसके नीचे, इसको डालो इसके ऐसे नीचे, क्या बनेगा प्रोडक्ट? Na3N2। बोलो समझ आया क्या? कैल्शियम में क्या बनेगा? कैल्शियम और N2 जब रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, जल्दी बोलो? कैल्शियम के ऊपर कितना आएगा चार्ज? +2 आएगा, ग्रुप नंबर 2 का है, इसके ऊपर -3, तो इसको इधर डालो, इसको इधर डालो, कितना हो जाएगा? Ca3 और N2, N, N2 नहीं N4। अच्छा अरे हाँ N2 तो पहले से N4, था, N4 हो जाएगा, हाँ N4, N4, Ca3N4। ठीक है कोई दिक्कत? अच्छा हो जाएगा, इस सब चीज को बस ध्यान देना, इन सब चीजों को ध्यान। अच्छा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, हम ही से गड़बड़ हो गया, रुको रुको, ये एन एक के ऊपर -3 है ना, गलत मैं कर रहा हूँ, एक के ऊपर -3 है मृणाली, एक के ऊपर है -3। यार -3 तो एक के ऊपर होता है ना, तो Ca3N2 होगा, एक के ऊपर होता है, Ca3N2 होगा। ठीक आगे बढ़े, बोलिए समझ आया क्या ममता? कोई दिक्कत? ठीक है अब एक चीज सुन लो, जब अल्कली मेटल्स का हम बात करते हैं, ग्रुप वन का बात करते हैं और ग्रुप टू का, तो ग्रुप वन में सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मैं गड़बड़ कर दिया, ये वाला नहीं होगा, ये समझाने के लिए था, ग्रुप वन में सिर्फ और सिर्फ लिथियम बनाता है मेटल, लिथियम बनाता है नाइट्राइड, इसके अलावा कोई नहीं बनाता, याद रखना। तुम बोलोगे अरे आपने तो लिखा था ग्रुप वन ग्रुप टू, हाँ ग्रुप वन में सिर्फ लिथियम और कोई नहीं, मुझसे गलती हो गया है ना, सोडियम नहीं बनाता, ग्रुप वन में सिर्फ लिथियम बनाएगा और ग्रुप में बाकी सब लोग बनाए, सब लोग बनाए, सब लोग बनाए, ठीक है? ठीक है, ग्रुप वन में ओनली लिथियम फॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल नाइट्राइड बनाता है हाई लैटिस एनर्जी की वजह से, बाकी नहीं बना पाता, बाकी का लैटिस एनर्जी हाई हो जाता है, इसीलिए कोई अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा? ठीक है तो आओ देख ले, तो इसमें देखो ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद डायरेक्टली विद N2 टू फॉर्म नाइट्राइड, बाकी नहीं करते, ठीक है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू है बर्न इनटू नाइट्रोजन, मैंने बताया ना, बाकी सब बनाते हैं, ग्रुप वन में सिर्फ लिथियम, ग्रुप टू में सब, ठीक है योगेश? आओ, फॉर्मेशन ऑफ एमलगम, एमलगम क्या होता है, जब मरकरी के साथ उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है, रिएक्ट नहीं बोल रहा है, मिक्स 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 कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो कोई एक सॉलिड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे लोहा को और निकल को मिला दिए और क्रोमियम को मिला के स्टील बना दिया, ऐसा कुछ होता है ना, तो वैसा ही कुछ मरकरी के साथ मिला के अगर कोई चीज बनाया जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एमलगम। एमलगम जब भी यूज हो रहा है यानी मरकरी वहां पे होगा ही होगा, 100% कंपल्सरी है। तो इन दोनों का सेम प्रॉपर्टी है, सेम काम है ना, ये क्या करते हैं मरकरी के साथ मिलके अलग अलग एलॉयज बना बन जाता है ना, अलग अलग चीज बनता रहता है ना, धातु, अलग अलग धातु है ना, जैसे स्टील बनता है, ड्यूरालुमीन बनता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो खैर नहीं बनता, वो तो खुद है एलिमेंट, तो ये सब चीजें बनता रहता है, बताइए कोई दिक्कत है? जैसा ग्रुप वन नो वैसा ग्रुप टू, अच्छा जैसा ग्रुप वन वैसा ग्रुप टू, कोई अलग चीज नहीं है, सेम कहानी। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को वो नहीं बताया है क्या, पानी के साथ रिएक्शन? अच्छा बता दिया है ना सर,
पानी के साथ वाला रिएक्शन तो बता ही दिया आई थिंक। बता दिया ना, कोवेलेंट बता ही दिया। नेचर वगैरह बताया ना आपने। हाँ, कोवेलेंट नेचर के लिए तो आपको फिर मैं रेकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंडेड। क्या पता है, कोवेलेंट चैप्टर एक होता है जिसमें वो आवाज कर गई थी, क्या नाम है इसका, ग्रुप वन एंड कौन? ग्रुप टू क्या नाम है इसका, मृणाली का, मृणाली। इधर देखो, लिक्विड अमोनिया, सॉरी ममता, लिक्विड अमोनिया, यस लिक्विड अमोनिया है। ठीक है ठीक है, तुम बोलोगे हाँ ठीक। तो एक बात बताओ, जीवन है या जी टू वाले एलिमेंट्स है वो कैसे टूटते हैं? तुम बोलोगे कैसे टूटेंगे, एक होगा मेटल प्लस उसका इलेक्ट्रॉन होगा, जी टू वाला होगा तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, जीवन वाला है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों, ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो जब ये, हाँ इसको हम पानी में डालते थे तो क्या होता था? तुम बोलोगे पानी में डालते थे तो इसको चारों तरफ से पानी घेर लेता था, इसको चारों तरफ से कौन घेर लेता था, पानी घेरता था। हम बोलेंगे वाह अच्छी बात है। अब क्या होता है, जब इसको हम एम प्लस है, जब इसको हम अमोनिया में डालते हैं एम प्लस को, तो इसको चारों तरफ से कौन घेर लेता है मालूम है, अमोनिया घेर लेता है। कौन घेरता है, लो NH3 घेर लेता है चारों तरफ से, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि भूलो मत नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है भाई, यहाँ भूल क्यों रहे हो, तो ये तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये चारों तरफ से घेर लिया पानी की तरह सेम। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या, हाँ। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एम प्लस इंटू NH3 कितना घेरा है, मान लो एक्स, इसके एक्स मॉलिक्यूल ने घेर लिया। एम प्लस नहीं लिखो अभी, एम प्लस को देखो, प्लस इसका चार्ज कैसे दिखाते हैं देखो, ये इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है ना, इसको यहां दिखाएंगे, यहाँ प्लस चार्ज हो गया खत्म, ऐसे एकदम सेम टू सेम पानी की तरह है कि नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं अमोनिएटेड कटायन, क्या कहते हैं इसे, कहते हैं अमोनिएटेड कटायन। वहां पे हाइड्रेशन वर्ड यूज करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया जाए, ठीक है। अरे बताओ, वहां पे ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से अट्रैक्शन होता था, यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से अट्रैक्शन होता, किसी को समझ आया? वाह क्या रिस्पॉन्स है, हाँ क्या सर। कोई, हाँ एक आदमी तो कम से कम जवाब दिया, ठीक है बहुत अच्छी बात। अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन भी तो है, उसका क्या हिसाब किताब होगा? तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है NH3, हाइड्रोजन की तरफ से पकड़ेगा, किसकी तरफ से पकड़ेगा, हाइड्रोजन की तरफ से, मान लो वाई संख्या इसको पकड़ लिया है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का ये हटा दो, यहाँ नेगेटिव चार्ज, पानी में अब ऐसे ही घूम रहा है, एक तरफ कैटायन एक तरफ एनायन, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं दोस्त, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, बताओ कोई दिक्कत? यानी यहाँ पे नाइट्रो अमोनिया कितना लेना पड़ा होगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स यहाँ खर्चा हो गया वाई यहाँ खर्चा हो गया, बोलो कोई दिक्कत है? अब तुम बोलोगे दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, उन अच्छी अच्छी बातों को अब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम बोलोगे भाई मजा आ गया है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो इसमें इतना ज्यादा वेरिएशन है। दिखाया है? आओ, इस बुक में नहीं दिया उतना शायद जितना अभी मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात करूंगा, मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, यहाँ पलक आ गई तुम, प्रॉपर्टीज ऑफ, आओ, मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, वो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, वो सॉल्यूशन कैसा होगा दोस्त, पैरामैग्नेटिक, क्यों होगा मैं बताता हूँ। तुमने देखा था ना, एक इलेक्ट्रॉन था, उसको चारों तरफ से कौन घेर लिया था भाई, अमोनिया, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अमोनिया, वजह से कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा होता है, रिड्यूसिंग नेचर का, यानी कोई भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा, उसको रिड्यूस कर देगा, तो ये कैसा होता है, रिड्यूसिंग नेचर का। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू कलर का दिखता है दोस्त, है ना, ये जनरली किस कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है, देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, बोलो समझ आया क्या? ये बहुत बहुत हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत हाँ सर, इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेकिन अब कहानी बदलते हैं, अब हम एक काम करते हैं, अभी तो ये काम कर लिया ना, और तुमको मैं बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो उसमें याद रखना इस रिएक्शन का हम यूज करेंगे,
क्योंकि वहां पे जब हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा तो हम इसको ताजा ताजा बनाएंगे और रिएक्शन में यूज करेंगे, ताजा ताजा बनाएंगे रिएक्शन में यूज करेंगे। बोलो बोलो। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यहां से अगर M प्लस टू वाला होगा तो दो इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो चंपू बच्चों वो लिक्विड अमोनिया में इलेक्ट्रॉन अलग अलग टूट के चला जाएगा ना, इसको अलग घेर लेगा, इसको अलग घेर लेगा। समझ में आ रहा है हाँ कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे मत सोचना कि सर खास वो तो हाथ में हाथ मिला के जाएगा, है ना, ऐसा नहीं जी। होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ताजा ताजा अमोनिया बनेगा तो ये काम होगा। तुम बोलोगे ताजा ताजा का क्या मतलब है, अभी मतलब बताते हैं। आंसर देखो, केस ले लेते हैं वन, अगर हम इसको इफ दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट फॉर ओवरनाइट या लॉन्ग टाइम के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, लेफ्ट फॉर सम टाइम, लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम लिख देते हैं या लेफ्ट फॉर ओवरनाइट, एक रात के लिए हमने इसको छोड़ दिया, कैसे, उस मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया को साथ ही छोड़ दिया कि भाई बैठे रहो तुम लोग, तब क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो, तब क्या होगा, ध्यान से सुनो, तब रिएक्शन कुछ अलग तरीके से होता है। ये मेटल टूटा तो है एम प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन में, ये अमोनिया अब कैसे टूटता है, ध्यान से सुनो, ये एच प्लस और NH2 नेगेटिव में टूटता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त में ये सब चीजें पूछता रहता हूँ, पहले हम लोग ये लिखना सीखे हैं या पहले रिएक्शन हुआ होगा धरती पे? अरे बोलो, हाँ समझ आ गया, सर। समझ आ गया क्या? हाँ सर, जवाब दो, समझ आ गया कि तुम लोग कितने समझदार हो? पहले रिएक्शन ही हुआ होगा ना, तब लिखा होगा ऑफ कोर्स, है ना, रिएक्शन को देख के ही ये कल्पना किया जाता है कि ऐसे रिएक्शन हुआ होगा, है ना। जितना तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हो या पढ़ोगे वो लिखा जाता है, वो एक्चुअल में हम रिएक्शन में घुसते नहीं है, अज्यूम किया जाता है ऐसा होता होगा और वो चीजों को जस्टिफाई करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ये टूटा होगा, तुम बोलोगे ठीक, अब इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, तुम बोलोगे अरे वाह, तो ये यहाँ पे जाएगा हाँ और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन ही होगा ना, MnH2 प्राइमरी अमाइन बना दिया, वन क्या डिग्री अमाइन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे वन डिग्री अमाइन, और साथ में बना दे देगा यहाँ हाइड्रोजन H2, H2 बना देगा। अब यहाँ क्या एक भी तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, सोच के बताओ, नहीं दिख रहा, हमको तो नहीं। नहीं दिख रहा। तो यानी अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका क्या गया, कचरे के डब्बे। अब ये पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाएगा, नहीं, अब तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, देख लो, रात भर छोड़े क्या, अब पूरा दुनिया ही इसका बदल दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, रिड्यूसिंग नेचर भी नहीं है इसके पास, पैरामैग्नेटिक नेचर भी खो दिया, ब्लू कलर भी अब नहीं रहेगा। अब देख लो, जैसे ही रात भर के लिए इसका इसको छोड़े लिक्विड नाइट्रोजन में, पूरा कहानी ही बदल दिया, पहले ये पैरामैग्नेटिक था फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, अब ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहले ये रिड्यूसिंग नेचर था क्योंकि इलेक्ट्रॉन था बट इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब रिड्यूसिंग नेचर नहीं है, पहले ब्लू कलर था इलेक्ट्रॉन की वजह से, ब्लू कलर नहीं है इलेक्ट्रॉन की वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टर था इलेक्ट्रॉन की वजह से बट अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहाँ से, देख रहे हो? तो ये सब थोड़ा ध्यान देना कि कितने देर के लिए छोड़ा है कितने देर के लिए नहीं छोड़ा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में योगेश दादा, हम जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं तो अगर हमको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो हम मेटल के साथ लिक्विड अमोनिया तुरंत बनाते हैं और तुरंत यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ देर छोड़ देंगे ना तो पूरा नेचर बदल जाएगा, ठीक है, पूरा नेचर ही बदल जाएगा। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। फाइनली अब एक और केस हो सकता है, बता देते हैं केस टू, बता दे, वैसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं बट फिर भी बता देते हैं। मेटल अगर तुम एक्सेस में ले लो, अमोनिया कम है, मेटल तुम एक्सेस में ले लो, ये एक्सेस में है, तो तुम बोलोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन का बारिश हो जाएगा भाई उधर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से ये होता डायमैग्नेटिक है, ये क्या हो जाता है डायमैग्नेटिक, लेकिन ब्लू कलर अभी भी दिखाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसमें जो एक्साइटेड अनएक्साइटेड स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ सकता है ना, तो ब्लू ब्रॉन्ज कलर का ये दिखने लगता है बट ये हो जाता है डायमैग्नेटिक अगर ये एक्सेस में लगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया कि कुछ देर छोड़ते हैं तो कहानी कैसे बदल जाता है और तुरंत ताजा ताजा बनाते हैं तो कहानी कैसे चलता है? बोलिए, किस कलर को? ब्लू ब्रॉन्ज नाम सुनी हो कभी?
बिल्कुल नहीं। ठीक है, छोड़ो इसको, है ना, छोड़ो। पी ब्लॉक में बहुत सारे कलर्स याद करने पड़ेंगे, यहाँ छोड़ रही हो ना, छोड़ दो, बट पी ब्लॉक में बहुत सारे कलर्स याद करने पड़ते हैं हम लोग। पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, ये कलर है, वो कलर है, वो कलर है। पलक तुम आ गई हो क्लास में? ठीक है, देखो हमें कब छोड़ने वाले हो सर? ये खत्म हो गया, कंपाउंड सब ऐसा। कौन अब हम लोगों को वो कंपाउंड्स पढ़ना है दोस्त। हाँ सर, वो क्या आपने हुआ? प्राइमरी माइड कहा था क्या? अमाइन, 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 ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि तुम पढ़ोगी कहाँ पे? फंक्शनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगी, है ना, कि प्राइमरी अमाइन क्या होता है, सेकेंडरी अमाइन क्या होता है, टर्शियरी अमाइन क्या होता है, मैं सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आपको इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आर नहीं यू है। अफ्रेड ऑफ हाँ, इट? बच्चा ने वो एग्जाम के दिन पढ़ा था। ठीक है, एक सवाल पूछा जाएगा, मेरे मन में एक सवाल आ पूछो। रहा है, आई वॉन्ट टू आस्क यू। पूछ ले, इस सवाल का जो जवाब देगा उसको एक समोसा मेरी तरफ से। ठीक है ममता, आर यू रेडी? ममता को दे देंगे हमें जवाब उसका। देगी ठीक है, ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑप्शन यहां पे दे रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी सी डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, ए बी सी डी, बी सी डी, ऑप्शन सी, ए सी डी, ऑप्शन फोर, ए बी सी डी, बी सी डी, ए सी डी, डी, बताइए कौन इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल है? बच्चे जवाब भी दे दिए, ओहो, योगेश दादा का आंसर आ गया। बाकी बच्चे, सवाल अच्छा है ना, मृणाली, ममता, ओमकार, सभी लोग बताओ। अच्छा, ए बी सी डी होगा ना? भाई एबीसीडी होगा, कितने लोगों का आ गया आंसर? सी होगा ना, ओमकार डी तो खैर सर। करा ही नहीं था। पता है नीट में ये सवाल पूछेगा, तुम आओगे टिक मार के, उछलते कूदते, ये वुपी या, और ये हो जाएगा गलत, अब क्या है इसका आंसर? है क्या ना, मतलब ये हो से जाएगा गलत। तुम बोलोगे कि सर एक बार क्यों? आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने से बात कीजिएगा, है ना, हाँ ना, तुम लोगों हाँ के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि एक बार क्वेश्चन तो पढ़िए क्या लिखा है। तो आओ क्वेश्चन पढ़ देते हैं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनमें से कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल है? तो मैं आपको बता दूं, अर्थ मेटल यानी अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा, अल्कलाइन यानी जिसका ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, या बेस होगा ना जिसका, हाँ, भैया तो मैं बता दूं, इसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसीलिए बेरिलियम को नहीं माना गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल, याद रखना। जनाबे अली करके बताए थे, पंजाबी सॉन्ग गाया करो नेचर, ठीक है, याद था, लेकिन आपने तो ये नहीं अर्थ होता है। मेटल हाँ मैंने बताया था बताया ना? था, मैं जानबूझ के इसको क्वेश्चन के लिए बचा के रखा था ना भाई, क्योंकि जो आदमी गलती करता है वो दोबारा कभी, देखो ये अगर हम पढ़ा के निकल जाते ना तो तुमसे गलती हो सकता था, हाँ या ना, लेकिन अब इसको जानबूझ के गलती करवा दी है क्लास में,
अब कभी जीवन में गलती नहीं करना, क्या कहते हो? वहां पे अगर पढ़ा के निकल बिल्कुल जाते तो तुम गारंटी भूल जाते। तो बेरिलियम नहीं होता है, नहीं। बेरिलियम नहीं होता है बेसिक, ये तो एम्फोटेरिक होता है, ठीक है? तो बी सी डी गलत सही होगा। अब समझ में आया? तो ज्यादा उछल कूद नहीं मचाते ममता, तुमको समझना चाहिए था कि अगर बंदे ने सफल पूछा तो जरूर कुछ ट्रक्स छुपा हुआ है ना। नहीं, मैंने पहले सोचा सर कि वो एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि मैंने आज ही वो रिवाइज किया था, लेकिन हाँ, तो आपने तो एम्फोटेरिक उससे मतलब कि बोला एसिड। था ना। देखो मैं एक बात बता दूं, बेस कभी भी, एक बेस सुनना, एक बेस कभी भी दूसरे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, पता है ना? कभी नहीं करता है रिएक्ट, लेकिन ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। तो कैसे इसको अल्कलाइन बोले हम फिर? बोलो कैसे बोले अल्कलाइन? नहीं बोल सकते, ठीक है? तो इसीलिए ये तीन होगा। लॉजिक समझ में आ गया योगेश दादा? सही था लॉजिक, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इसीलिए मैं क्लास में गलती करवाया हूँ। गॉट इट? मिलते हैं नेक्स्ट हाँ क्लास में। सर।